हाँ जी बच्चे, साढ़े को थर्ड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर, जिस बच्चे सब तो पहले आप बेसिक समझ जाने कि क्वाड्रिलेटर होंदा की है। कहना क्वाड्रिलेटर अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सैगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। कहना कोई भी क्लोज फिगर जो बंद फिगर है चार लाइना द्वारा बनती है उन्होंने आप क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। इट हैज़ फोर साइड दैट इज ए बी बी सी सी डी ए डी एंड फोर वर्टिसेज। देखो बच्चे जिहड़े मैं डायग्राम शो किया है कि साइडा ने ए बी बी सी सी डी ते ए डी चार की साइड ने, फोर वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी कॉर्नर पॉइंट ए कॉम बी सी ते डी, ते इन्हां दे सारे इंटरनल एंगल का जो जोड़ हुंदा है सम ऑफ इंटरनल एंगल वो कितना डिग्री हुंदा है 316 360 डिग्री। हुण इस तों बाद साढ़े कोल कुछ स्पैशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जांदे ने जिवें पैरलोग्राम रंबस रैक्टेंगल। हुण एक एक करके आपां उहदे बारे पढ़ते हैं। तो सब तो पहला साढ़े कोल जिहड़ा आंदा वो हैगा साढ़े कोल पैरलोग्राम, क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरलर एंड इक्वल। कहना वह क्वाड्रिलेटरल जिहदे विच अपोजिट साइड की होण पैरलर भी होण ते नाल की होण इक्वल, रिटन एज दो पैरल लाइन जी एम। डायगनल ऑफ पैरोग्राम बाइसैक्ट ईच अदर, जिहड़े पैरोग्राम के डायगनल होंदे ने एक दूजे नूं की करदे ने बाइसैक्ट, बाइसैक्ट यानी बराबर बराबर बनते हैं। ठीक है, अगे है साढ़े कोल पॉइंट्स कुछ। अच्छा पैरोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी अपोजिट साइड आर इक्वल, ए बी कि इक्वल होएगा सी डी, ए बी तो सी डी आपस क्या होनी है इक्वल। सिमिलरली अपोजिट साइड ए डी कि इक्वल होएगी बी सी दे, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे ने, यानी जिहड़ा एंगल आ बी ते आ उही एंगल क्या होएगा डी ते, एंगल बी कि इक्वल डी दे, एंगल ए कि इक्वल होएगा एंगल सी दे। तो उस तो बाद अगली प्रॉपर्टी सी डायगनल बाइसैक्ट ईच अदर, यानी ए सी बाइसैक्ट बी डी। बाइसैक्ट का मतलब होंगे बराबर बराबर पार्ट्स बटना, यानी जिन्ना ओ ए होएगा उन्ना ही साडा क्या होएगा ओ सी, तो जिन्ना ओ डी होएगा उन्ना ही क्या होएगा ओ बी। एक पॉइंट भी साढ़े क्या हो गए क्लीयर। अगली प्रॉपर्टी है चौथी सम ऑफ एडजेसेंट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। पैरोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होंगे, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी कि इक्वल 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल डी की गल करा जो नाल नाल एंगल होंगे ने इन्हों का जोड़ कि होंगे 180 डिग्री। ठीक है जी, इतने दिते हुए ने बच्चे प्रॉपर्टीज़, देखो जो आप हमने देखिया ने अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरलर, अपोजिट एंगल आर इक्वल, डायगनल बाइसैक्ट ईच अदर। ठीक है, नाल आप एडजेसेंट जो एंगल वाली प्रॉपर्टी सी वो भी पढ़ ली कि एडजेसेंट एंगल का सम क्या होंगे 180 डिग्री, तो नाल ये फोर्थ पॉइंट एडजेसेंट एंगल सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री वो भी तुसी अपनी कॉपी के उपर नोट कर लेना। ठीक है, चलो आप नैक्सट वाल मूव कर रहे हैं। नैक्सट है बच्चे साढ़े को क्वाड्रिलेटर रैक्टेंगल। रैक्टेंगल की है अ पैरलोग्राम ईच ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगनल आर इक्वल इज कॉल्ड रैक्टेंगल। जो रैक्टेंगल होंगे एक तरीके का पैरलोग्राम ही है, वो एंगल कितने डिग्री होंगे 90, तो डायगनल आपस के बाइसैक्ट भी करते हैं तो आपस इक्वल भी होंगे ने। ठीक है, हुण इहदी प्रॉपर्टीज़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरलर। ठीक है जी, ईच एंगल इज राइट एंगल यानी 90 डिग्री, डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल दे आपस की होंगे ने इक्वल होंगे ने। अगला चार था डायगनल बाइसैक्ट ईच अदर, बाइसैक्ट का मतलब जो आप हमने पिछले समझे आपस के इक्वल इक्वल पार्ट के क्या होंगे ने बन जाते हैं। ठीक है, ये साडा रैक्टेंगल का पार्ट से, हुण आप मूव कर रहे हैं अपने नैक्सट लेवल। तो जिहड़ा साडे कोल नैक्सट है वह है स्क्वेयर, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वेयर। स्क्वेयर आप पहला भी पढ़िया होया वो क्वाड्रिलेटरल जिंदियां सारियां साइड आपस दे विच क्या होंदियां ने इक्वल होंदियां ने उन्हूं स्क्वेयर बोलते हैं। ऑल साइड आर इक्वल एंड पैरलर पहली प्रॉपर्टी, ऑल एंगल आर 90 डिग्री, डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसैक्ट एट 90 डिग्री। डायगनल ये इक्वल भी होंगे ने बाइसैक्ट करते हैं, तो जिथे बाइसैक्ट करते हैं उत्थे एंगल कितना होंगे 90 डिग्री का। नैक्सट है साढ़े को रोंबस, अ पैरलोग्राम हैविंग ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सारी साइड आपस दे विच की होण बट ये एंगल क्या ने वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। देखो पैरलोग्राम वाली कंडीशन आ गई। अगला डायगनल बाइसैक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जिथे ए सी ते बी डी बाइसैक्ट कर रहे हैं सेंटर पॉइंट नूं ओ नाम दे देना उत्थे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का। तो लास्ट जिहड़ा साडे कोल क्वाड्रिलेटरल है वह है ट्रपीजियम। ट्रपीजियम क्या होंदा क्वाड्रिलेटरल इन विच टू अपोजिट साइड आर पैरलर एंड टू आर नॉन पैरलर। जिवें तुसीं देख सकते हो अच्छे ए बी कि पैरलर है डी सी दे ते ए डी बी सी पैरलर नहीं है। टू नॉन पैरलर साइड ऑफ ट्रपीजियम आर इक्वल दैन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रपीजियम। अगर ये दो साइड आपस इक्वल होन तैनू आइसोसेलेस ट्रपीजियम बोलते हैं। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। साडे कोल पहला क्वेश्चन है द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरलोग्राम आर 6 एंड 8। देखो बच्चे पैरलोग्राम दिता है साडे कोल पैरलोग्राम, ठीक है, एक पैरलोग्राम ड्रॉ कर लिया, नाम देता हूँ ए बी सी ते डी। क्वेश्चन दिता है कहता टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरलोग्राम आर 6 एंड
8 ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਡਜਸਟਨ ਸਾਈਡ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 6 ਤੇ 8 ਅਡਜਸਟਨ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂ 6 ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੀਨ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਯਾਨੀ 6 ਪਲੱਸ 8 ਪਲੱਸ 6 ਪਲੱਸ 8 ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ 2 ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 2 ਐਲ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸੇਮ ਤਾਂ 2 ਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਪਲੱਸ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 ਯਾਨੀ 2 ਇੰਟੂ 14 ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 28 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ 28 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚਲੋ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਆ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਐਸ ਦੈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਯੂਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਐਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੀ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਪੀ ਕਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਐਸ ਆਰ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਐਸ ਆਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਊ ਆਰ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਕਿਊ ਆਰ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਕਿਊ ਆਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਪੀ ਐਸ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੀ ਐਸ ਅਗਲਾ ਐਂਗਲ ਪੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਪੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਐਂਗਲ ਆਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਂਗਲ ਆਰ ਐਂਗਲ ਐਸ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਐਂਗਲ ਐਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਐਂਗਲ ਕਿਊ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਅਡਜਸਟ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ 180 ਯਾਨੀ ਜੋ ਅਡਜਸਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਗਲ ਪੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਹੁਣ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਡਜਸਟ ਐਂਗਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਰ ਪਲੱਸ ਐਸ ਅਗੇਨ ਆਰ ਅਤੇ ਐਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਕਿਆ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਡਜਸਟ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨਾਓ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਥਰਡ ਦੀ ਵੱਲ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਥਰਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 5x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 15 4y ਔਰ 16 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਅਤੇ ਆ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਹ ਸਾਈਡ 5x ਆਹ ਸਾਈਡ 15 5x 15 4y ਅਤੇ 16 ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਨੋ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜੋ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ 5x ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ 5x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 15 ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 15/5 ਯਾਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ 3 ਇੱਥੋਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਗਈ 3 ਸਿਮੀਲਰਲੀ 4y ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ 16 ਦੇ 4y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 16 ਤਾਂ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਯਾਨੀ 16/4 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਈ ਅਤੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਕਿੰਨੀ 3 ਅਤੇ 4 ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਫੋਰਥ ਦੀ ਤਰਫ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਬੀ ਪਾਰਟ ਸੀ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਦੇਖੋ 3x ਪਲੱਸ 5 ਕਿਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਕਿਆ 14 ਸੋ ਸਾਡਾ 3x ਪਲੱਸ 5 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 14 ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 5 ਉਸ ਸਾਈਡ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 14 ਮਾਈਨਸ 5 3x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9 ਸੋ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 9/3 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਯਾਨੀ 2y ਮਾਈਨਸ 3 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ 7 ਦੇ 2y ਮਾਈਨਸ 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7 ਇੱਥੋਂ 2y ਮਾਈਨਸ 3 ਉਸ ਸਾਈਡ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ 3 2y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਸੋ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10/2 ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਫੋਰਥ ਦੀ ਤਰਫ ਫੋਰਥ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 2 ਅਡਜਸਟ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਇਨ ਰੇਸ਼ੀਓ 4:5 ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਡਜਸਟ ਐਂਗਲ ਨੇ ਅਡਜਸਟ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਇਨ ਰੇਸ਼ੀਓ 4:5 ਯਾਨੀ 4:5 'ਚ ਨੇ ਅਡਜਸਟ ਐਂਗਲ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਹ ਅਤੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕਿਆ ਹੋਣਗੇ ਅਡਜਸਟ ਐਂਗਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4x ਅਤੇ ਆਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5x ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਐਂਗਲ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4x ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਡੀ ਚਾਹੇ ਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬੀ ਕਹਿ ਲਓ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 5x ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
पैरलोग्राम के जो अपोजिट एंगल होंगे ने आपस की होंगे ने इक्वल, यानी आ भी कि होएगा 5x जे आ 4x है तो आ भी कि होगा 4x। क्लीयर हो गई नहीं गल? ठीक है, अगेन फाइंड मेजर ऑफ ऑल द एंगल, आप हम सारे एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम आप प्रॉपर्टी पढ़ी सी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरलोग्राम इज 180। पैरलोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होंगे ने वह सम कि होंगे 180। तो एडजेसेंट एंगल कितने दिते ने सानू 4x प्लस 5x कि देख को आ जाएगा 180 दे, यानी 9x कि देख को आ गया 180 दे, तो x आ जाएगा कि 180/9 कटिंग करके कि आ गया साढ़े को 20। ये x की वैल्यू आ गई। सो एंगल ए कि देख को सी एंगल सी दे ते कि एक को सी 4x, तो x की वैल्यू कि 20/80 ते ए ते सी कि आ जाएगा 80 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी इक्वल सी एंगल डी दे कि 5x, एक्स की वैल्यू कि 20, ए आ जाएगा कि साढ़े को 100 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन भी होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चल रहे हैं, चलो अपना नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरलोग्राम आर इन रेशियो 3:7, फाइंड मेजर ऑफ ऑल एंगल। देखो सेम टू सेम सेम नहीं है, ठीक है, उसे 4:5 से इतने 3:7 है, जिसे 4x से 5x लिया उसे 3x से कि आ जाएगा 7x। ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है तो आंसर कमेंट के मैंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 डू योर सैल्फ, ठीक है, अपने आप तो इनू ट्राई करना है। आप क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे साढ़े को, इन अ पैरलोग्राम WXYZ एंगल वाई इज इक्वल टू 80, एंगल वाई कि 80, फाइंड मेजर ऑफ ऑल। तो आप डायग्राम बना रहे हैं इतने, क्वेश्चन नंबर 6 WXYZ एंगल एक्स कि 80। ठीक है, हम इतने क्वेश्चन वाल ध्यान दो, कहता WXYZ की है साडा एक पैरलोग्राम है, ये बाकी एंगल फाइंड करने हैं। तो बच्चे साडा जो एंगल वाई है तो एंगल डबल्यू दोनों आपस क्या आएंगे इक्वल, मैं इतने लिख रहा एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल डबल्यू कितना डिग्री होएगा 80 डिग्री। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरलोग्राम, ये क्या ने पैरलोग्राम के अपोजिट एंगल, तो एंगल आ गया साढ़े को 80 डिग्री। हूँ मैं अगर एडजेसेंट एंगल की गल करा, जिम्मे आ जैड करा, एंगल वाई प्लस एंगल जैड इन्हों दोनों एंगल का सम कि होगा 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ए की ने साढ़े एडजेसेंट एंगल, तो वाई एंगल कि दिता सानू 80 प्लस एंगल जैड इक्वल टू 180 डिग्री, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 180 - 80, तो एंगल जैड आ जाएगा साढ़े को कितना डिग्री 100 डिग्री। तो अगर आ 100 है तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जैड, तो आ भी साढ़े को कितना डिग्री आ जाएगा 100 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरलोग्राम। ठीक हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 7 वाल मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 साढ़े को कहना इन अ पैरलोग्राम बेस्ट एंगल बी इज इक्वल टू 105, फाइंड मेजर ऑफ एंगल। सेम टू सेम बच्चे जो क्वेश्चन ए है सेम उहदे नाल दा है, जिवें आ एंगल दिता है साढ़े को एंगल बी कि 105, तो एंगल एस बी कि हो जाएगा 105, फिर एडजेसेंट एंगल ही जिहड़ा क्वेश्चन आपां हुण सॉल्व कीता है सेम टू सेम। तो 7वां क्वेश्चन भी तुसीं खुद तो ट्राई करना, ये थोड़ा होमवर्क है। ठीक है, नाल दी नाल कमेंट बॉक्स तुसीं आंसर भी पा दिओ कि आंसर आया, ठीक है, चैक कर लांगे। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग पैरलोग्राम। नंबर 8 है साढ़े को फाइंड एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग पैरलोग्राम। ठीक है, पैरलोग्राम दे विच आ देखो बच्चे, आ एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हुण आपां नूं पता है पैरलोग्राम दे अपोजिट एंगल आपस इक्वल होंदे ने, यानी 4x कि इक्वल होएगा 80 दे, ते 5y कि इक्वल होएगा 100 दे। आ जाओ इत्थे कॉपी ते आ जाओ, हुण आ पैरलोग्राम बना लिया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी 4x इज इक्वल टू 80 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरलोग्राम आर इक्वल। तो इतों एक्स की वैल्यू साढ़े को कि आ जाएगी 80/4 कट के कि 20, इतों एक्स आ गया साढ़े को कि 20। ठीक है बच्चे, सिमिलरली 5y कि होएगा 100 दे, ते y की वैल्यू कि आ जाएगी 100/5 कि अगेन 20। ठीक है बच्चे, तो इतों एक्स से वाई साढ़े को सॉल्व हो गया, दोनों ही किन्ने आए हैं 20 - 20। मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, देखो तो सैकेंड पार्ट है सेम, हूँ इतने भी चैक करो, अपोजिट एंगल इक्वल, 5y कि इक्वल हो जाएगा 120 दे, तो 5 डिवाइड करेगा तो कि आ जाएगा वाई 24, तो इतों 3x कि इक्वल हो जाएगा 60 दे, तो 3 ना डिवाइड करोगे एक्स कि आ जाएगा 20। ठीक हो गया, हूँ आप मूव करा क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9th है, इन अ पैरलोग्राम ए बी सी डी, एक पैरलोग्राम बना लिया ए बी सी डी, डायगनल ए सी एंड बी डी इंटरसैक्ट एट ओ। कहना डायगनल जड़े ने ए ते सी, आ डायगनल हो गया,
तो दूजा कि बी तो डी किस पॉइंट पर इंटरसैक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ कहता ए सी इज इक्वल टू 12 आ टोटल लेंथ सानू देती ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ठीक हो गया ए सी की टोटल लेंथ आ गई कि 12 एंड बी डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर तो आप बी डी की लेंथ देती लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर ओके कहना फाइंड ओ ए एंड ओ डी आप ओ ए पता करना कि लेंथ होगी तो ओ डी पता करना चलो स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे लिख रहे हैं वी नो डायगनल्स ऑफ पैरलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर जेडे डायगनल होंगे ने पैरलोग्राम के आपस के करते हैं बाइसैक्ट करते हैं एक दूजे को ठीक है बाइसैक्ट का मतलब होंगे इक्वल इक्वल पार्ट के डिवाइड करना यदा मतलब ओ ए इक्वल होएगा कि ओ सी दे यानी ओ ए इक्वल ओ सी दे सिमिलरली ओ बी कि इक्वल होएगा ओ डी दे ओ बी इज इक्वल टू ओ डी ठीक है हूँ आप ओ ए तो ओ डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं ना ओ ए तो ओ सी सूँ पता दोनों आपस इक्वल है जेकर आ दोनों पार्ट आपस के इक्वल ने तो मैं कह सकता आ जरा ओ ए पार्ट होएगा पूरी लाइन ए सी का क्या होएगा हाफ होएगा ठीक है जिमें तुम ए समझ लो इतने मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिना जिमें मान लो ए है तो आ सी है आ पॉइंट ओ है जे आ ओ ते ए ते मान लो ओ ते ए दोनों पार्ट आपस से बराबर ने मैं कहना दो ते दो ने ठीक है तो क्या मैं टोटल लाइन फिर साढ़े को कितनी हो चुकी है चार तो फिर मैं क्या आ कह सकता जी ओ ए लाइन है आह ये टोटल लाइन ए सी का क्या है हाफ है ए सी बाय टू है बिल्कुल अगर दोनों पार्ट आपस के बराबर हो ओ ए पार्ट टोटल लाइन का की हो जूगा मेरे को हाफ हो जूगा तो ए सी सानू कि दी हुई सी 12 बटा 2 कट के कि आ गया 6 यानी ओ ए भी 6 होएगा ए सी भी कि होएगा 6 ताही का टोटल कि बनी 12 सिमिलरली ओ बी तो ओ डी भी दोनों आपस से बराबर होंगे तो बी डी का टोटल लाइन का क्या हो गए हाफ बी डी कि साढ़े को 16 बाय 2 कट के कि आ जाएगा 8 सेंटीमीटर अगर टोटल 16 सी दोनों पार्ट बराबर ने तो हाफ हाफ बटन गए तो हाफ हाफ करता आप बी डी का हाफ तो ए भी 8 तो ए भी कि आ जाएगा 8 तो साढ़े क्वेश्चन नंबर 9th हो गया हूँ चल रहे आपका क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ क्वेश्चन नंबर 10th है साढ़े को कहता इन अ पैरलोग्राम पी क्यू आर एस पी आर एंड क्यू एस इंटरसैक्ट एट ओ ओ पी इज इक्वल टू 6 ओ एस इज इक्वल टू 7 फाइंड पी आर चलो डायग्राम पहले ड्रॉ कर रहे हैं आपता है पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस डायगनल पी आर एंड क्यू एस इंटरसैक्ट एट ओ डायगनल पी आर तो दूजा कि क्यू एस किस पॉइंट पर इंटरसैक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ इफ ओ पी इज इक्वल टू 6 जेकर ओ पी की लंबाई कि दी सानू 6 इतने नाल लिख दें लेंथ ऑफ ओ पी ओ पी की लंबाई सानू कि दी है जी 6 सेंटीमीटर एंड ओ एस इज इक्वल टू 7 तो इतने ओ एस कि दिता है 7 ओ तो लैके एस तक आ दिता है 7 लेंथ ऑफ ओ एस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ठीक हो गया जी फाइंड करना फाइंड पी आर एंड क्यू एस आप पी आर टोटल लेंथ फाइंड करनी है तो क्यू एस चलो स्टार्ट कर रहे हैं लेंथ ऑफ पी आर हुण इत्थे बहुत ध्यान नाल देखो मैं तुहानू हुणे दस्सिया जिहड़े आ दोनों डायगनल होंदे ने आपस की करते हैं बाइसेक्ट करते हैं यानी कि जिन्ना यह ओ पी है उन्ना ही साडा की हो जूगा ओ आर हो जूगा यानी ए 6 तो आई भी कितना हो जाएगा 6 तो टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी 12 सिमिलरली जे आ 7 है ओ एस तो ओ क्यू भी कितना हो जाएगा 7 तो टोटल लेंथ कितनी हो जूगी 14 थोड़ा जिहा इस चीज़ को आप रिप्रजेंट कर दें तो पी आर क्या होगी ट्वाइस ऑफ आ पूरी लेंथ ट्वाइस ऑफ ओ पी यानी 2 × 6 कितना आ जाएगा साढ़े को 12 सेंटीमीटर सिमिलरली लेंथ ऑफ क्यू एस 2 × ओ एस वह डबल हो जाएगी यानी 2 × 7 14 सेंटीमीटर तो इतने साढ़े को 10वां क्वेश्चन हो गया मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ तो क्वेश्चन नंबर साढ़े को 11 है फाइंड एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग पैरलोग्राम देखो पैरलोग्राम दिता होया तो आप एक ड्रॉ कर लें चलो फटाफट तो पैरलोग्राम क्योंकि ना ये अच्छी तरीके विजिबल नहीं हो रहा तो पैरलोग्राम मैं ड्रॉ करके सूँ इतने दिखा देना क्या क्या चीज़ा किमें दिखाई हुई ने सूँ आ दिता होया 3x इतने है 3x इतने लिखा है 2y इतने है 18 तो इतने दिता है 16 कहना फाइंड एक्स एंड वाई चलो बहुत आसान नाम दें ए बी सी ते डी ते जिथे डायगनल इंटरसैक्ट करते हैं उस पॉइंट नूं नाम दिता ओदा आपां इत्थों एक्स ते आ वाई की वैल्यू कढ़नी है हुण सानूं पता डायगनल आपस दे विच की करते हैं बाइसैक्ट डायगनल
ऑफ पैरलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट कर देने एक दूजे नूं, ठीक होगी गल। अगर बाइसेक कर देने यानी जिन्ना ओ ए होएगा, मैं हुणे तुहानूं दस्सिया सी जिन्ना ओ ए होएगा उन्ना ही क्या होएगा ओ सी, तो ओ ए किन्ना साडे कोल 3x, ओ सी किन्ना 18, तो इत्थों एक्स की वैल्यू आ जाऊगी 18/3, कट के किन्ना आ जाएगी 6, एक्स साडे कोल सॉल्व हो गया, आसान। सिमिलरली ओ डी बराबर होएगा ओ बी दे, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, तो ओ डी की वैल्यू सानूं दित्ती हुई है किन्नी 2y विच इज़ इक्वल टू 16, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 16/2, कट के किन्ना 8, तो इतों वाई आ गया साढ़े कोल किन्ना 8। क्लीयर हो गया जी, मूव कर लिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12वां क्वेश्चन, फाइंड एक्स वाई जैड इन द पैरलोग्राम, ठीक है, इन्हों की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलो स्टार्ट कर लें। पहला दिता है साढ़े को, देखो पहले ईजी जहा काम है, कोई खास इन्ना औखा नहीं है। आ 100 है, आ एक्स, आ वाई, आ गया हो जाएगा जैड हो जाएगा, ठीक है। पैरलोग्राम के अपोजिट एंगल आपस की होंगे ने, इक्वल होंगे ने, तो एंगल वाई कितना डिग्री 100 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरलोग्राम, हुण जी आ कितना आ गया साढ़े कोल 100 आ गया। जिहड़े एडजेसेंट एंगल होंगे ने एक्स प्लस 100 इक्वल टू कितना 180, क्यों एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता 180 डिग्री, तो 100 उस साइड जाएगा तो माइनस किन्ना आ जाएगा 180 माइनस 100, तो एंगल एक्स साढ़े को इतों कितना आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है जी। हुण एंगल एक्स जे 80 है तो एंगल जेड भी कितना होएगा 80 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 12वां ए पार्ट खत्म, नैक्सट कर रहे हैं ये ही। सैकेंड पार्ट से साढ़े को एक्स वाई जेड करना, तो पैरलोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल, तो एंगल एक्स की इक्वल आ जाएगा 105 के अपोजिट एंगल आर इक्वल लिख लेना चाहिए। नाओ वाई प्लस एंगल वाई प्लस 105 डिग्री की इक्वल 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल तो एंगल वाई कितना आ जाएगा 180 माइनस 105 यानी कि 75, 180 के बीचों 105 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा साढ़े को 75, तो एंगल वाई आएगा कितना 75। लेट बी दिस एंगल बी, इस एंगल ए का नाम देना, ठीक है। हुण सानू पता है एंगल ए की इक्वल होएगा एंगल वाई दे, तो एंगल वाई किन्ना 75, तो एंगल भी किन्ना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चे हुण आ एंगल साढ़े को 75 आ गया, हुण आपां चीज़ां पढ़िया हुई सी, आ चीज़ सानू याद होनी चाहिए, जिहड़ा कंप्लीट एंगल हुंदा स्ट्रेट लाइन के उत्ते किन्ना डिग्री हुंदा 180 डिग्री, यानी मैं कह सकदा एंगल ए प्लस एंगल वाई किन्ना डिग्री 180 डिग्री हो गया, ठीक है। इहनू बोलदे आ लीनियर पेयर, ठीक है जी, इहनू क्या पढ़ते आपां लीनियर पेयर पढ़ते हैं। तो एंगल सॉरी एंगल ए प्लस एंगल जैड, तो जैड आना सी, एंगल ए आपां कितना फाइंड करिया 75 प्लस एंगल जैड इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल जैड कितना आ जाएगा 180 माइनस 75, तो इतों एंगल जैड की वैल्यू आ जाएगी साढ़े को 105 डिग्री, ठीक है बच्चे। होप थोड़ा क्लीयर हो गया होगा। ईवन कि इतने एक प्रॉपर्टी थोड़ी होर यूज़ होंगी है, मैं इतने तुम्हें एक प्रॉपर्टी होर तुम्हें रिवाइज़ करवा दिना, जिमें लैट सपोज दीज आर टू पैरल लाइन, ठीक है, दो पैरल लाइन ने, मान लो कोई लाइन इन्हों कट के जा रही है, ठीक है, तो जोड़े एंगल जैड बन रहे होंगे ने, अगर पैरल लाइन कोई लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कट के जा रही हो जो जैड बना रहे होंगे ने, आ जिमें आ एंगल जैड बन रहे हैं ना, इनू ए कह देना, इन एंगल बी नाम दे देना, तो यह दोनों एंगल साढ़े इक्वल होंगे ने, इनू बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चे। तो सिमिलरली जिमें मैं इतों आ देखा, जिमें आ सप जहाँ बना रहे हैं, ठीक है, इतों आ देखो हूँ आ एक पुठा जैड भी बन रहा है, इनू सी कह दूँ डी कह दा, तो एंगल सी तो डी भी बराबर होंगे। हूँ इतने तुम चैक करो जिमें आ सी, इन बहुत ध्यान देखना जिमें आ मैं डार्क कर रहा आ, ठीक है, एक पुट्ठा जैड की फॉर्मेशन हो रही है, तो जे आ एंगल 105 आ जैड भी कितना आना 105, इनू बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हैं, जरूरी नहीं है लीनियर पेयर की लानी हो, जिमें ए तो सी की गल करा, जिमें आ लीनियर पेयर बन रहा ए तो सी का, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होंदिया ने, जिन्या तुसी पढ़ोगे उन्ना तुहानू लानियां आसान रहणगियां, ठीक है। मूव कर रहे नैक्सट क्वेश्चन वाल, थर्ड है साढ़े को क्वेश्चन, ठीक है, इहदा डायग्राम बना रहे आपां, लाइन दित्ती हुई है साढ़े कोल, इत्थे दित्ता है एंगल 102, ठीक है जी, आ दिता है एंगल एक्स, आ दिता है एंगल जैड, आ दिता है एंगल 30, आ दिता है एंगल वाई, ठीक है जी। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं, हुण बच्चे इत्थे हर एक चीज़ को देखो, जो भावें हुण तुहानूं जैड वाली कंडीशन बनाई है, हुण आ लाइन पैरल है, आ लाइन कट के जा रही है, जरा इन देखो गौर नाल, क्या जैड फॉर्मेशन हो रही है, बहुत ध्यान देखो है ना, आ जैड फॉर्मेशन बनती पी है जिहड़ी मैं कर रहा हाँ, तो जो एंगल 30 है वही एंगल कितना होगा एक्स, तो एंगल एक्स साढ़े को निकल के आ गया 30 डिग्री, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल, ठीक है, जी कंडीशन हूँ बड़ा ही वो लगा दी, यानी आह एंगल आ गया साढ़े को 30 डिग्री। हूँ एक ट्रैंगल बन रहा है, तो ट्रैंगल के सारे एंगल सम कि होंगे 180 डिग्री, यानी 30 + 102 प्लस एंगल जैड कि को आ जाएगा 180 डिग्री दे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रैंगल। तो प्लस करो कि आ जाएगा साढ़े को 132 प्लस जैड इक्वल टू 180, तो जैड की वैल्यू आ जाएगी साढ़े को 180 - 132। तो जो माइनस करोगे 10 चो दो 8 अथे 7 7 चों 4 48 डिग्री। हूँ हाँ एक किड़े एंगल हो गए ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो अपोजिट एंगल साढ़े को इक्वल होंगे ने, तो एंगल वाई कि आ जूगा 102 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरलोग्राम आर इक्वल। ठीक है, आह क्वेश्चन भी क्लीयर हो गया। हूँ आप मूव कर रहे हैं अपने इस चौथे पार्ट के वल। देखो बच्चे फोर्थ पार्ट लास्ट बचा हुआ पार्ट, चलो फटाफट तो इन क्लीयर कर दिए। ठीक है जी, फिर अपन नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव कर जाएंगे। ये सानू फाइंड करना एंगल एक्स वाई ते, जे आ क्वेश्चन तुसीं ध्यान नाल देखो तो जो आप हमने पिछले क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है, जिमें आ इतने जड बन रहा है सेम टू सेम सेम ही क्वेश्चन है, जिमें इतने आ भी जड डिफॉर्मेशन हो रही है ना, आ देख रहे हो आ जड बन रहा साढ़े को, इतों तुम हिसाब कह सकते हो एंगल वाई कि आ गया 40 डिग्री, तो इतों एंगल वाई साढ़े को आ जाऊगा 40 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जूगा। ठीक होगी बच्चे गल, हूँ आ वाई निकली साढ़े को आ चुका है, हूँ आप गल कर दें अगले की गल। हूँ आ एंगल नू लैट्स सपोज मैं ए एंगल नाम दे लैना, ठीक है जी, इनू ए मान लिया। हूँ एंगल ए प्लस 78 इनका जुड़ना जोड़ कि हो जूगा 180 डिग्री, क्योंकि क्या ने लीनियर पेयर, तो इतों एंगल ए आजगा कि 180 - 78, तो एंगल ए कि आ जूगा साढ़े को 102 डिग्री। ठीक हो गया बच्चे, आ एंगल साढ़े को मिलकर कि 102, जे आ एंगल 102 है तो सामने वाला एंगल भी कि होगा 102, यानी एंगल ए बराबर होगा एंगल जैड के, आह कि डिग्री आ गया 102। ठीक है, हूँ साढ़े को वाई एंगल मिल चुका है, सानू जैड एंगल मिल चुका 102, सिर्फ साडा कि एंगल फाइंड करना रह गया एक्स रह गया। हूँ ट्रैंगल के सारे एंगल का सम कि 180, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रैंगल इज 180, तो एंगल कि आ गया एक्स प्लस आ एंगल ए, आप कि फाइंड करा ए एंगल, हाँ देखो 102 प्लस एंगल वाई, वाई कि फाइंड कर 40। ठीक है, हैंडराइटिंग तो नहीं जाना, हो सकता ठीक है थोड़ी बहुत हैंडराइटिंग यहोजी है होगी, क्योंकि फोन नाल फड़ के रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जरूरी चीज़ नहीं पता लगती, कमेंट बॉक्स के पुछ लेना। ठीक है, हो वैसे मैं हौली हौली समझा रहा ताकि हरेक चीज़ क्लीयर हो सके। तो इतों कि आजगा एक्स प्लस 142 इक्वल टू 180, प्लस का उधर जाके कहता होजूगा माइनस का, यानी 180 माइनस कि आजगा 142, तो 180 के बयाली माइनस करोगे कि आएगा साढ़े को 38 डिग्री। इतने साढ़े को चौथा पार्ट भी खत्म हो गया। हूँ गल कर रहे हैं आप इतने एम सी क्यूज के वाल, कहता इफ द लेंथ ऑफ वन डायगनल ऑफ रिकटेंगल इज 6, वट इज़ द लेंथ ऑफ अदर डायगनल। हूँ सानू पता है डायगनल रिकटेंगल के जो दोनों डायगनल होंगे ने आपस में क्या होंगे ने इक्वल होंगे ने, तो उसकी लेंथ भी क्या हो जूगी 6 हो जूगी। हूँ इफ 6x + 24 आर अपोजिट साइड ऑफ पैरलोग्राम, वट इज़ वैल्यू ऑफ एक्स। पैरलोग्राम की जी अपोजिट साइड होंगे ने आपस की होंगे ने इक्वल, यानी 6x की इक्वल हो जूगा 24 दे, तो इतों एक्स की वैल्यू कि आ जूगी 24/6 कट के कि 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर साढ़े को कितना मार्क हो जूगा 4 मार्क हो जूगा। अगला 3x - 2 = 7 आर टू इक्वल पार्ट ऑफ डायगनल। हूँ गल ही उन्हें देती है इक्वल ने, यानी दोनों आपस की रखना इक्वल, तो एक्स कढ़ लेना। देखो 3x - 2 इक्वल कि रखता 7 दे, इनू सॉल्व करो, -2 उधर जाऊगा प्लस का होजू, यानी 3x इक्वल टू कि आ गया 9, तो एक्स की वैल्यू कि आ जाएगी 9/3 कट के कि 3, इतों एक्स साढ़े को फाइंड हो गया कि 3, तो मार्क कर दिया आंसर अपना कि ऑप्शन सी। हूँ अगले कहता इफ 4y - 100 आर अपोजिट एंगल ऑफ पैरलोग्राम, फाइंड वैल्यू ऑफ वाई। हूँ पैरलोग्राम के अपोजिट एंगल आपस की होंगे हैं इक्वल होंगे, यानी 4y कि इक्वल होजूगा जी 4y - इक्वल टू होजूगा 100 दे, तो इतों वाई डिग्री आजूगा कि 100/4 तो कट के कि 25, इतों ऑप्शन ए साडा की होजूगा मार्क होजूगा। तो इतने साड़ी एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन फिनिक्स होंगे ने। ठीक है, फिर कॉपी के उत्ते कंप्लीट करो, जो क्वेश्चन डाउट है वो नीचे कमेंट बॉक्स से पूछ लो, जो दो क्वेश्चन जो छेड़े से उन्हों का आंसर भी नाल कमेंट बॉक्स के लिख के जाना। ठीक है जी, ओके।